सतना में आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ईश्वर सिंह चौहान के हत्यारों को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मृतक के पिता संतोष सिंह चौहान ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित पिता ने बताया कि उसका पुत्र आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज में माइनिंग डिप्लोमा कर रहा था। प्रथम वर्ष का छात्र था। वह कॉलेज के सामने संस्कार हॉस्टल में रहता था। 18 अप्रैल को उसका शव फंदे से झूलता हुआ मिला था। आरोप है कि ऐश्वर्य और सागर तिवारी अनम अंसारी नाम की लड़की के द्वारा फोन पर बुलाने पर नजीराबाद गए हुए थे, जहां पर कुछ युवकों के द्वारा मारपीट की गई थी। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या कर शव फांसी के फंदा में लटका दिया गया है।